नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों कैसे हो? मकर राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि मकर नहीं है परंतु लगन मकर है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मकर राशि की मई मास की गोचर कुंडली आपके सामने है, आप स्वयं देख सकते हैं। मई माह में गोचर वश केवल 3 ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र ही राशि परिवर्तन करेंगे, अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। हर एक ग्रह की बात करेंगे, जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। स्वास्थ्य के संबंध में एक नज़र डालें गोचर कुंडली पर, तो राशि स्वामी शनि अपने अति शत्रु ग्रह मंगल के साथ द्वितीय भाव में गोचरस्थ है तथा यह ज्योति योग 17 मई तक रहेगा। इसलिए 17 मई तक जब तक यह ज्योति योग है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, अपने फेस का भी खास ध्यान रखें, खासकर आंख, दांत और नाक का ध्यान रखें। दांतों से संबंधित पहले से कोई परेशानी है तो इस समय वह परेशानी बढ़ सकती है, सतर्क रहें। इस अवधि में आपका क्रोध, बेबाक वाणी और व्यवहार भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, 17 मई तक जब तक यह युति योग है, अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाकर रखें। 17 मई को मंगल के राशि परिवर्तन से काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। राशि स्वामी शनि का मंगल के साथ युति योग टूटेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी, वाणी की क्रूरता, कड़वाहट और कठोरता में भी कमी आएगी। बात करें शिक्षा की तो पंचम भाव पर बुद्धिकारक बुध का गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम है। विद्यार्थी अपने बुद्धिबल, ज्ञान कौशल और सूझबूझ से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के संबंध में पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी बहुत लाभप्रद है। 23 मई तक शुक्र उच्च अवस्था में पराक्रम भाव पर गुरु के साथ युति योग बनाएंगे। इससे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहेंगे, अनुसंधान क्षेत्र में कुछ नया करेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए मई मास सकारात्मक है। अब देखते हैं धन, सुख, संपत्ति और घर परिवार के संबंध में ग्रह गोचरी स्थिति क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, कुंडली का द्वितीय भाव धन स्थान है तो चतुर्थ भाव सुख स्थान है। 17 मई तक धन स्थान पर मंगल एवं शनि का युति योग तो 15 मई तक सुख स्थान पर राहु एवं सूर्य का युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इस अवधि में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। इस समय घर परिवार में भी सुख शांति कुछ प्रभावित हो सकती है। वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग भी घर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। वाणी और व्यवहार से मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर उतारू हो सकते हैं। सूर्य एवं मंगल के राशि परिवर्तन से धन, सुख, संपत्ति और घर परिवार के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सुख स्थान से राहु सूर्य का युति योग टूटेगा, घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे, संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, 17 मई को धन स्थान से मंगल भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। द्वितीय भाव के संबंध में अब महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। वाणी में कोमलता आएगी, धन सुख में वृद्धि होगी, धन के आवागमन में वृद्धि से कुटुंब में भी खुशियों का प्रवेश होगा। अब पराक्रम भाव पर पराक्रमी मंगल का गोचर आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। मंगल से भूमि भवन का विचार भी किया जाता है, इसलिए मंगल का तृतीय भाव पर गुरु के साथ युति योग भूमि भवन और जमीन जायदाद के संबंध में बहुत उत्तम है।
कुल मिलाकर मई मास के अंतिम दो सप्ताह धन सुख संपत्ति और समृद्धि के संबंध में अधिक सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं मई माह में कार्य व्यवसाय और व्यापार के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या कह रही है। आप नौकरी व्यापार या व्यवसाय किसी से भी संबंधित क्यों ना हो, मई माह में आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार मेहनत में कमी ना करने से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों एक नज़र डालें गोचर कुंडली पर तो चार ग्रहों की आपकी राशि के लाभ पर दृष्टि से लाभ आप अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। यह दृष्टि आपकी आय, उन्नति और सफलता को बल प्रदान कर रही है। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। 17 मई के बाद लाभ आपके स्वामी मंगल भी पराक्रम भाव पर गुरु के साथ युति योग में गोचर करेगा। यह दिखा रहा है आपको अपने ज्ञान, कौशल, बौद्धिक योग्यता, मेहनत, पराक्रम और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी व्यापार और लाभ भाव पर व्यापारी दोस्तों के लिए काफ़ी सकारात्मक है। इसके अलावा कर्म भाव के स्वामी शुक्र भी उच्च अवस्था में पराक्रम भाव पर गोचरस्थ है। आप जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल आपको अपने लक्ष्य से रुकने तथा झुकने नहीं देगा। सफलता और उन्नति के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। 23 मई को कर्म भाव का स्वामी शुक्र भी राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा अपने ही भाव कर्म भाव पर दृष्टि डालेगा। अब राहु केतु के साथ शुक्र का भी प्रभाव कर्म भाव पर पड़ेगा। दोस्तों यह स्थिति कर्म भाव को अधिक मजबूती प्रदान करेगी। राजनीति क्षेत्र से संबंधित दोस्तों को कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। राहु केतु का कर्म भाव पर प्रभाव आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। पराक्रमी मंगल के पराक्रम भाव पर गोचर से आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। अपने पराक्रम और बहुबल से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देंगे। इस अवधि में कार्य व्यापार में कुछ नया करेंगे और जोखिम लेने के उद्देश्य से ग्रह गोचर आपको सहयोग कर रहा है। कार्य क्षमता और लेखन क्षमता में भी अद्भुत वृद्धि होगी। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। लेखन के साथ कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए यह समय अस्थित सफलता दिलाएगा। सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। 23 मई तक पंचम भाव के स्वामी शुक्र की संचार भाव पर उच्च स्थिति से आप अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। नेम और फेम बढ़ेगा। अब बात करते हैं दंपत्य और प्रेम जीवन के संबंध में मई माह क्या लेकर आएगा। दोस्तों दंपत्य और प्रेम जीवन के संबंध में मई माह सकारात्मक है, कई सुखद पल लेकर आएगा। दंपत्य भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि दंपत्य जीवन में स्नेह एवं मधुरता का भाव पैदा करेगी। 23 मई तक प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी गुरु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। प्रेमियों के लिए भी यह स्थिति सुखमय और आनंदमय बनी हुई है। जीवन साथी या प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। पूर्ण मास प्रेम प्यार भाव पर बुद्धि कारक बुद्ध गोचरस्थ रहेगा। इससे आप प्रेम संबंधों के मामले में मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना पसंद करेंगे। दोस्तों खासकर 17 मई तक जीवन साथी और प्रेमीजन के साथ तोल मोल के वाणी का प्रयोग करें। प्रेम संबंधों के मामले में खासकर वाणी पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 17 मई के बाद समय अधिक अनुकूल है। मास के अंत में ग्रहों की अनुकूलता के साथ आप जून मास में प्रवेश कर जाएंगे। आगे की चर्चा हम जून मास के राशिफल में करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।